आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। पत्रकार रामचंद्र छतपति हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम समेत चार दोषियों को उम्र कैद, 50,000 का जुर्माना। साल 2002 में हुई थी पत्रकार रामचंद्र छतपति की हत्या, 17 साल बाद पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत से मिला इंसाफ। सीबीआई से राकेश अस्थाना समेत चार अधिकारियों का ट्रांसफर, कैबिनेट की नियुक्ति मामले की समिति का है ये फैसला। शिमला में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मारपीट, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू और मौजूदा अध्यक्ष कुलदीप राठौर के समर्थक रहे। मायावती के भतीजे की होगी बीएसपी में एंट्री, मायावती ने कहा आकाश को राजनीति से नहीं आंदोलन से जोड़ूंगी। जन्मदिन पर केक लूट की घटना का मायावती ने बचाव किया, कहा गरीबों के जश्न को मीडिया गलत तरीके से पेश कर रहा है। अमित शाह की तबीयत का मजाक उड़ाने पर भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस की सोच का इलाज मुश्किल, राहुल गांधी से माफी की मांग। दो दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट गए, सरदार पटेल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। कल वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जैकेट खरीदी। श्रीनगर के भीड़भाड़ वाले इलाके में आतंकी हमला, आतंकवादियों ने पुलिस पर फेंका ग्रेनेड, चार जवानों समेत 6 लोग घायल। महाराष्ट्र में डांस बार पर नए कानून में सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट, शराब पर उसे जाने को मिली परमिशन, नोट उड़ाने पर लगाई पाबंदी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ब्लॉक से विपक्ष पर हमला, कहा चुनावी साल में विपक्ष को मोदी विरोध की लगी बीमारी, देश हित की कर रहे हैं अनदेखी। 19 जनवरी की रैली को लेकर ममता बनर्जी ने किया विवादित ट्वीट, लिखा मौत की घंटी बजाने के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी रैली। दिल्ली यूपी में गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्धों के तार पंजाब से भी जुड़े, यूपी के अमरोहा और हापुड़ में 7 और जगहों पर एनआईए की छापेमारी, 3 से पूछताछ। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह का बयान, पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का कड़ा जवाब दे रही है सेना, पिछले 10 साल में सेना ने सबसे ज्यादा आतंकी मारे। दिल्ली में ठंड से पिछले 48 घंटे में 10 और लोगों की मौत, सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट का दावा, जनवरी में अब तक 106 लोगों ने तोड़ा था। मेघालय में जयंतिया हिल्स की खदान में फंसे मजदूरों में से एक का शव मिल गया है, 35 दिन बाद 160 फीट नीचे मिला पहला शव। प्रयागराज में संगम तट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की मां गंगा की पूजा, राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी भी रहे मौजूद। सिक्किम के पोख्योंग एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने की सफल लैंडिंग, पिछले साल पीएम ने किया था एयरपोर्ट का उद्घाटन। 25 जनवरी को होगा नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुरुआत, सेक्टर 142 तक यात्रा भी करेंगे।